हाँ, दोबारा उसी की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाउ मैनी वेस कैन सेवन बॉयज सेट ऑन अ राउंड टेबल। बेटा मैंने ये बताया कि ये क्या कहते हैं, सवाल चैप्टर नंबर 7 का है। बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ 7 लोगों की, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, अगर 7 लोगों को एक रॉम अरेंज करना है। हाँ, मैं बताता हूँ वाला अब्दुल्ला सर, समझाता हूँ। 7 लोग का मतलब 7 कुर्सियाँ हैं, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने कहा मुझे यहाँ पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अब रॉ में अगर मैं 7 लोगों को बिठाना चाह रहा हूँ, तो जो पहली कुर्सी है, हमें देखना है कि पहली कुर्सी के लिए कितने उम्मीदवार हैं, कितनी चॉइस है पहली कुर्सी के पास। ये 7 बॉयज हैं, B5, B6, B7, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पहली कुर्सी की, तो पहली कुर्सी पे पहला बंदा बैठ सकता है, पहला बॉय बैठ सकता है, दूसरा बैठ सकता है, तीसरा ही बैठ सकता है, चौथा भी बैठ सकता है, या पांचवा बैठ सकता है, या छठा बैठ सकता है, या सातवां। तो पहली जो कुर्सी है उसके सामने 7 लोग हैं, तो हमें हमेशा लिखना होता है कि टोटल कितने लोग हैं। 7 लोग हैं पहली कुर्सी के लिए, कितनी चॉइस है, 7। 7 में से कोई एक इस पे बैठेगा। मिसाल के तौर पे फर्स्ट बॉय इस सीट पर बैठ गया, सेकंड सीट के लिए सेकंड बॉय, थर्ड बॉय बैठेगा, फोर्थ बैठेगा, फिफ्थ बैठेगा, सिक्स बैठेगा, सेवन्थ बैठेगा। तो अगली सीट के लिए कितने उम्मीदवार हैं, कितने लोग हैं। अब अगली सीट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 6। 6 में से कोई एक बैठ जाएगा, मिसाल के तौर पे ये बैठ गया, तो अगले के लिए कितना हो जाएगा, B3, B4, B5, B6, B7। तो अगले के लिए कितनी चॉइस रह जाएंगी, 5। 5 में से कोई एक बैठ गया यहाँ पर, तो अगले के लिए कितने रह जाएंगे, 4। 4 में से कोई एक यहाँ बैठ गया तो कितने हो जाएंगे, 3। 3 में से कोई एक बैठ गया तो 2 रह जाएंगे, 2 में से कोई एक यहाँ बैठ गया तो 1 रह जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन है 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसको हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रॉ में जब अरेंजमेंट की बात आती है लोगों की, तो हम फॉर्मूला हमारे पास है एन फैक्टोरियल, जो भी नंबर है 7 है तो 7 फैक्टोरियल आंसर आ गया। क्योंकि रॉ में हमें पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है। अब मैंने आपसे कहा कि राउंड टेबल लिखा जाए, कहीं पर सर्कल लिखा जाए, तो फिर हमारे पास मसला क्या आता है, अगर एक ये सर्कल है मिसाल के तौर पर, 7 लोग हैं, 7 कुर्सियां हैं, सही है। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है सर्कल में। तो सर्कल के केस में कोई नहीं बता सकता कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। तो फिर होता क्या है कि 7 लोग हैं ना, 7 बॉयज हैं, तो सर्कल के केस में 7 में से 1 कुर्बानी देगा। कुर्बानी देगा, वो कह रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ और मैं जाके बैठ रहा हूँ बस।
तो पहला जो मिसाल के तौर पे बॉय था उसने कुर्बानी दी, वो यहां पर बैठ गया आके, जो चीज पहले बैठ गई वो फिक्स हो जाती है। अब बी जो है वो इस सीट पर बैठा रहेगा, B1। अब बाकी सीट्स की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट सीट के लिए हमारे पास कितने चॉइस हैं, B2, B3, B4, B5, B6, मतलब टोटल 6 लोग हैं, 6 में से कोई एक यहाँ बैठेगा। मिसाल के तौर B2 यहाँ बैठ गया तो अगली सीट के लिए B3, B4, B5, B6, B7, तो अगले के लिए 5 उम्मीदवार हो जाएंगे। 5 में से कोई एक यहाँ बैठ गया तो अगले के लिए 4, 4 में से कोई एक यहाँ बैठ गया तो अगले के लिए 3, 3 में से कोई एक यहाँ बैठ गया अगले के लिए 2, 2 में से कोई एक यहाँ बैठ गया तो अगली सीट के लिए 1 उम्मीदवार रह जाएगा। रह क्या गया, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बचा गया 6, 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 6 फैक्टोरियल बचा। तो टोटल आपके पास n था, 7 था, बचा क्या 6। 6 का मतलब है 7 माइनस 1 फैक्टोरियल बचा। 1 माइनस इसलिए कराया क्योंकि एक बंदे ने कुर्बानी दे दी, एक पहले जाके बैठ गया तो उसको माइनस करा दिया, तो रिजल्ट बन गया 6 फैक्टोरियल। तो जब भी राउंड टेबल की बात आए और या फिर सर्कल की बात आए तो हम नंबर ऑफ पर्सन कितने तरीकों से सीट हासिल कर सकते हैं वो हम किस तरीके से लिखेंगे, n-1 फैक्टोरियल के फॉर्मूले में लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला पिक करेंगे n-1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट सवाल में कह रहे हैं कि द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, लिखा हुआ है। हाँ यार तुम्हारा बता रहा हूँ, रुक जा बस। x की पावर 10, अभी याद आ गया मुझे बेटा, मिडिल टर्म चाहिए। मिडिल टर्म के लिए क्या है, n क्या है इवन नंबर्स में, तो याद है मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या था, बाइनोमियल का सवाल है एक्सरसाइज 8.3 का, तो फॉर्मूला था n+2/2 टर्म। तो n+2 मतलब 10+2/2 मतलब 12/2 मतलब 6th टर्म। तो 6th टर्म यहां पर मिडिल टर्म होगी। व्हेन एन इज इवन देन द नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स आर, कितनी मिडिल टर्म्स होंगी, जब एन इवन होगा तो 1 मिडिल टर्म होगी, जब n ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी, जिसके आपके पास फॉर्मूले आपको पता है। अच्छा अर्ज बेटा, आप कह रहे हैं कि MCQ नंबर 9 बताएं दोबारा। देखो MCQ नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि इफ इफ द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर दिए हुए हैं, यहाँ पर कंडीशन है। सम ऑफ रूट्स मतलब -b/a इसका फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब c/a फॉर्मूला है, नीचे दोनों के a है, a से a कैंसिल हो गया, तो यहाँ कंडीशन बन गई b-b इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर x² के साथ जो नंबर है वो a है, x के साथ जो नंबर है -3m वो b है, और c हमारे पास 5 है, तो b की जगह -3m रख दिया, c की जगह 5 रख दिया, -3m इज इक्वल टू 5 हो गया, 3 मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो गया। बेटा अगर n ऑड हो तो 2 मिडिल टर्म्स होती है ना, एक्सरसाइज 8.3 फॉर्मूला लिखवाया था 2 मिडिल टर्म्स निकालने का, n+1/2 और n+3/2, अगर याद हो आपको। आगे चलेंगे,
ट्वेल्व का आंसर रूट टू है बेटा, रूट टू। अबे कोशिश कर रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहा है भाई, काफी सारे तो आगे जाके रिपीट हो रहे होंगे। सर मेनली इसमें सही आएगा एमसीक्यू, कुछ नहीं कह सकते भाई, आप प्रैक्टिस करके जाओ बस, अल्लाह मालिक है। अबे नहीं लो भाई, एमसीक्यूज ही करा रहा हूँ, कल के लिए एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, वही करा रहा हूँ, समझ लो तैयारी हो रही है कल के टेस्ट की। नहीं बेटा रूट टू था उसका आंसर, मार्क किया भाई ये रहा। असल में आप लोगों ने पता है क्या चीज समझे, मैंने एक्स की जगह रूट टू रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, एक्स की जगह रूट टू रखा है तो एक्स की वैल्यू चाहिए थी, एक्स की वैल्यू रूट टू है, फोर नहीं है। बहुत गहरी बात करिए। एमसीक्यू नंबर 17 में क्या प्यारी बात कह रहे हैं, कहा जा रहा है इफ ए माइनस बी पावर, क्या पावर दी है यार, एक मिनट, थर्टीन है पावर भाई, इफ ए माइनस बी पावर 13 देन इट विल कंटेन, कितनी टर्म्स होंगी पता है आप लोगों को, अगर बाइनोमियल की नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है तो क्या करते हैं, पावर में वन ऐड करा देते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है पावर जो भी है 13 प्लस वन मतलब 14 टर्म्स होंगी। द सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल हूज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या कंडीशन है कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल जी, तो आर्क लेंथ मतलब एस इज इक्वल टू आर, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, एस की जगह और आर की जगह दोनों की जगह एस आ गया, वन आ गया, वन क्या होता है रेडियन, तो ये डेफिनेशन है बेसिकली रेडियन की, तो ये आपका आंसर हो गया रेडियन। कॉस अल्फा अपॉन ए, कॉस बीटा अपॉन बी, कॉस गैमा अपॉन सी बराबर हैं, तीनों के तीनों बराबर हैं, तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कॉमन सेंस कह रही है इक्वल है सब, कॉस पाई बाय टू पार्ट नंबर 20 की बात करें तो कॉस पाई बाय टू हो गया जीरो, कॉस पाई बाय सिक्स कैलकुलेटर से निकालना है, कॉस पाई बाय सिक्स आ गया रूट थ्री अपॉन टू, कैलकुलेटर शर्त ये रेडियन में होना चाहिए, माइनस साइन पाई बाय टू इज वन एंड साइन पाई बाय सिक्स मीन्स वन अपॉन टू, तो जीरो माइनस वन अपॉन टू इट मीन्स माइनस वन अपॉन टू इज द करेक्ट आंसर। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, कॉस टू थीटा का तो ये फॉर्मूला है, कॉस टू थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, या फिर बराबर होता है किसके, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा के, या फिर बराबर होता है किसके, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन के, सॉरी टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन के प्लस लेके, तो आपके पास का आंसर आ गया टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इफ साइन थीटा इज लेस देन जीरो मीन साइन थीटा इज नेगेटिव, एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो मीन्स कॉस थीटा इज पॉजिटिव,
सो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ए एस टी सी, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा बिल्कुल, क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। साइन अल्फा अपॉन टू का फॉर्मूला याद रखना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा भाई, कॉस 270 प्लस थीटा। तो ये आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस 270 जीरो कॉस थीटा, साइन 270 माइनस वन साइन थीटा। नाउ वी हैव द करेक्ट रिजल्ट इज साइन थीटा। Now MCQ number 25 is the principal value of arc sine, मतलब sine inverse root 3 upon 2 minus का, तो minus का pi by 3 आएगा मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन इंटरमीडिएट 2021 एनुअल पेपर वन ह्यूमैनिटीज ग्रुप रेगुलर एंड प्राइवेट। ह्यूमैनिटी ग्रुप के अंदर भी यही मैथ्स होती है हमारी। अबे प्रिंसिपल वैल्यू बेटा, जो कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाए, बस आसान अल्फाज में अगर कहूँ कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लो वो आंसर है। सही है, तो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पूछा जा रहा है पार्ट नंबर वन में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर एन, मतलब इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है, ये बी के साथ भी आ जाएगा, ये सी के साथ भी। तो ये बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, यूनियन सी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, ये आ गया रिजल्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन नल सेट, बी और नल सेट का इंटरसेक्शन। बेटा नल सेट का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन निकालें तो नल सेट आता है हमेशा,
और अगर ए और नल सेट को मिला देंगे तो बेटा नल सेट के साथ कोई भी अगर सेट मिलता है तो हमेशा आपके पास वही सेट आता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर किसी को ये सवाल नहीं समझ आता तो वो ये कर सकता है कि सेट दो सपोज कर ले, एक सेट सपोज कर ले, बी एक सेट सपोज कर ले, यही सपोज कर ले जो पहले मैंने किया था, तब भी वो बता सकेगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट सवाल में हमसे कहा जा रहा है इफ वाई प्लस टू कॉमा फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री कॉमा फाइव द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई प्लस टू कॉमा फाइव इज इक्वल टू माइनस थ्री कॉमा फाइव। नाउ वी हैव वाई प्लस टू इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि y प्लस टू यहाँ पहले लिखा हुआ है और थ्री यहाँ माइनस का पहले लिखा हुआ है, तो y प्लस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड नाउ वी हैव y इज इक्वल टू माइनस फाइव, ये टू उधर चला जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, हमारे पास का रिजल्ट माइनस फाइव हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है z इंटू z बार मीन्स z बराबर है बेटा x प्लस आयोटा वाई के, जेड बार हमेशा क्या होगा इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, जेड इंटू जेड बार मीन्स एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, सो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। पार्ट फाइव में कहा जा रहा है कि हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है थ्री माइनस आयोटा अपॉन टू आयोटा का। बेटा जब भी डिनोमिनेटर में इमेजिनरी नंबर आ जाए, क्योंकि नीचे जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, टू आयोटा लिखा हुआ है खाली, तो इसको सिंपल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं आयोटा से, आयोटा थ्री से मल्टीप्लाई होगा थ्री आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर दरअसल माइनस वन के बराबर है, नीचे आ गया टू आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन आ गया, तो थ्री आयोटा प्लस वन अपॉन माइनस टू आ गया। एलसीएम ब्रेक कर देंगे, थ्री आयोटा के नीचे भी माइनस टू आ जाएगा और वन के नीचे भी माइनस टू आ जाएगा, तो माइनस वन अपॉन टू माइनस थ्री अपॉन टू आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस की साइन से मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस माइनस माइनस। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा आयोटा को छोड़कर जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं, तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस का थ्री ओवर टू है, पार्ट सिक्स में कहा जा रहा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो देन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है तो रूट्स अनइक्वल एंड रियल होंगे, क्यूब रूट्स ऑफ एट इज, एट का क्यूब रूट चाहिए बेटा, एट के क्यूब रूट्स कैसे निकालेंगे, आसान सी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एट का क्यूब रूट क्या होगा, एट जो है वो टू का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, एट का क्यूब रूट टू आ गया, आपको तीनों क्यूब रूट्स अगर चाहिए तो आपके पास जो भी आंसर आ रहा है आप उसको वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें, तो टू टू ओमेगा और टू ओमेगा स्क्वायर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एट का आपने क्यूब रूट निकाला जो कि टू आया, आपने उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ लिख दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर एट, एमसीक्यू नंबर एट में कहा जा रहा है कि द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन If both roots of the equation are vanished, दोनों roots अगर vanished हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, तो अगर आपको याद हो exercise 3.5, तो अगर दो roots vanish होते हैं
तो वहां कंडीशन हमने निकाली थी कि बी भी जीरो के बराबर होगा और सी भी जीरो के बराबर होगा। तो बी भी जीरो के बराबर है, सी भी जीरो के बराबर है। तो बेटा बी क्या है, वाई के साथ जो नंबर लिखा है वो बी है, ये बी है, और ये जो आखिर में नंबर लिखा है ये सी है। तो बी आ गया आपके पास 2p-6 = 0, सी हमारे पास है 3q+5 = 0। 2p = 3, 2p = 6, 3q = -5। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p आ गया 3, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, q आ गया माइनस का 5/3। अब वैसे ही सवाल दोबारा आ गया एमसीक्यू नंबर 9 में, जैसे वहां पर एमसीक्यू नंबर 9 में था। कहा जा रहा है द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर हैं, सम ऑफ रूट्स बराबर हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, मतलब माइनस बी अपॉन ए बराबर है सी अपॉन ए के। ए आपके पास है यहाँ पर, ए से मतलब ए से ए कैंसिल हो गया, इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वेशन है x²-mx+c = 0। यहाँ पर ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशेंट है, और सी जो है वो सी के बराबर है। तो माइनस बी की जगह माइनस एम आ गया, सी की जगह सी आ गया, m = c आ गया। तो m की वैल्यू पूछ रहे थे, तो m बराबर आया है c के, तो इट मीन्स किसका आंसर है c। जी बेटा मैं कर दूंगा सेंड, कोई इशू नहीं बेटा। यहां पर कहा जा रहा है 1/15, 1/20, 1/25 आर इन एच पी। आपको पता है एच पी और ए पी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। 1/15, 1/20, 1/25 अगर एच पी में है तो 1/15 को पलट देंगे तो 15 आ जाएगा, 1/20 को पलट देंगे तो 20 आ जाएगा, 1/25 को पलट देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इनकी वैल्यूज को पलटने पे जो टर्म्स आएंगी वो ए पी में होंगी हमेशा। इलेवन में कहा जा रहा है कि हमें टेंथ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सीक्वेंस है 2, 4, 6, ठीक है, मतलब ए है हमारे पास 2, डी हमारे पास दोनों का डिफरेंस होगा। टेंथ टर्म चाहिए तो एन हमारे पास है 10। तो टी एन का फॉर्मूला लगेगा a+n-1d, एन की जगह 10 रख दिया, ए की जगह 2 रख दिया, 10-1d की जगह 2 आ गया। 9 × 2 = 18, मतलब रिजल्ट आ गया 20। वही सवाल आ गया है, इसका आंसर √2 है। सम ऑफ n टर्म्स निकालनी है इसकी, सम निकालना है 2, 4, 6 का। a यही होगा, d भी यही होगा, n भी यही होगा। सम निकालने का फॉर्मूला SN = n/2, 2a+n-1d। वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूले में, n/2, a की जगह 2 आ गया, n-1 × 2, तो n/2 4+2n-2।
तो ये आ गया 2n+2, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, n+1 आ गया इन दोनों में से, n(n+1) आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, अगर n को मल्टीप्लाई करा देंगे तो n² + n हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 14 में कहा जा रहा है n+1 factorial upon n-1 factorial। बेटा हमेशा हमेशा बड़ा बड़ा नंबर जो है उसका फैक्टोरियल ओपन करते हैं। n+1 ऑब्वियसली बड़ा होगा n-1 से, तो फैक्टोरियल ओपन करने का मतलब है कि आपने ये वैल्यू लिख दी, अब आपने इस वैल्यू में से एक कम कर दिया, n+1 में से एक कम करेंगे तो n आ गया। फिर आप क्या करेंगे अगली वैल्यू के लिए, इसमें से एक कम कर देंगे, n में से एक और कम कर देंगे तो n-1 आ गया। तो आगे तक जा रहे हैं तो ये जा रहा होगा आपके पास 1 तक, लेकिन क्योंकि n-1 नीचे लिखा है तो हम n-1 तक ही लिखेंगे फैक्टोरियल को। हम फैक्टोरियल को उतना खोलते हैं जितना के नीचे वाला नंबर हमारे पास ऊपर आ जाए। तो n-1 factorial से n-1 factorial कैंसिल, n(n+1) आंसर आ गया। बेटा 13 में क्या मसला है, सम निकालना है। a आपके पास 2 है, d आपके पास 2 है, n आपके पास 10 है। a की जगह आपने 2 रख दिया, d की जगह आपने 2 रख दिया, सॉल्व किया, यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला, 2 से 2 कैंसिल, n(n+1) आ गया। n n से मल्टीप्लाई हुआ n² n 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस का n आ गया। बेटा होल पावर 10 है, इवन पावर है, इवन पावर है, क्या पूछा जा रहा है कि मिडिल टर्म क्या होगी, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला है इवन पावर पे n+2/2 टर्म, 10+2/2 मतलब 6th टर्म आपके पास मिडिल टर्म होगी। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, n जो होल पावर है उससे एक ज्यादा हमेशा टर्म मौजूद होगी एक्सपेंशन में, तो इसका आंसर हो गया 7। अब क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि दो मिडिल टर्म्स बतानी है क्योंकि n ऑड है, जब भी n ऑड होगा n 11 है तो मिडिल टर्म्स दूंगी, दोनों का फॉर्मूला क्या है, एक का है n+1/2th टर्म एंड दूसरे का है n+3/2। तो 11+1/2 11+3/2 तो ये 12/2 6th टर्म, 14/2 मतलब 7th टर्म, 6 and 7 आंसर होगा। फिर नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कन्वर्ट 120 डिग्री, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कराएंगे पाई बाय 180 से, 0 से 0 कैंसिल, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 2π/3 आ गया। If cosec theta is less than 0 means negative, cot theta is positive. So कौन से quadrant में lie करेगा? Cot कौन से quadrant में positive होता है बच्चों? Third quadrant में positive होता है। नीचे आ गया cos 180 प्लस थीटा, नंबरिंग अलग लिखती, कहा जा रहा है cos 180 प्लस थीटा
तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस 180 माइनस वन कॉस थीटा, साइन 180 जीरो साइन थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा रिजल्ट आ गया। साइन यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला है टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू कॉस यू माइनस वी अपॉन टू। साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। टेंजेंट लगा है, अल्फा लिखा है तो ए माइनस की साइन है, बीटा लिखा है तो बी, नीचे ए प्लस अल्फा प्लस बीटा है तो नीचे ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ए बी सी अगर तीनों इक्वल हैं तो एरिया का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर। आपने एरिया निकाला था अगर आपको याद हो, आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था एक्सरसाइज 12.4 में आखिरी सवाल में, रूट थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, उसी फॉर्मूले में एक्स की जगह इन्होंने ए रख दिया है। बीटा दिया हुआ है, गैमा दिया हुआ है, अल्फा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा, तो 180 में से बीटा निकालेंगे मतलब 78 माइनस 58, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। So we have 44 degree, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा अगर 1/2 के बराबर है तो थीटा साइन इनवर्स 1/2 होगा। साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री, सेकेंड एंगल निकालते हैं 180 में से माइनस कराएंगे 30 तो 150 डिग्री, 30 और 150 डिग्री जिनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, तो ये भी हो गया।